यादव से लगातार नाराज चल रहे शिवपाल यादव के छाले फूटकर सामने आ गए हैं और दिल के अंदर जो कुछ भी है अब खुले तौर पर सबको सुनाई पड़ रहा है। ईद के मौके पर मुबारकबाद के लिए शिवपाल यादव फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट लिखते हैं और इस पोस्ट से खुले तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं। शिवपाल यादव ने लिखा, सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। शिवपाल की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चे शुरू हो गए हैं। शिवपाल के करीबियों का मानना है कि प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण का ताना बाना बुना जा रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद शिवपाल और भतीजे अखिलेश में तनातनी चल रही है। शिवपाल अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं। वो कहते हैं समय आने पर सबको पता चलेगा। ईद के मुबारक मौके पर उन्होंने पुनर्गठन की बात कही है, वो समय आने का संकेत भी हो सकता है। आपको बता दें, अखिलेश के खिलाफ ये दो तंज शिवपाल यादव ने कसा है। इस तंज पर कई बयान अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।